रविवार के बाद खुली आज सोमवार को मंडियों में काफी अच्छी आवक है, खासतौर से प्याज की भी अच्छी आवक है और लहसुन की भी काफी अच्छी आवक है। हमारे साथ मुकेश जी है। मुकेश जी, आपका मार्केट टाइम टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। आज क्या बाजार रहा मंडी का? लहसुन के बाजार तो नीचे में 5,000, ऊपर में 11,000 है। ये देसी है बाजार, समान है और देसी के ऊटी का भी सेम समथिंग ही बाजार है, और कोई ऊटी बढ़िया आता है तो 15-16,000 भी बिक रहा है। और आवक आज अंदर 25,000 है और 20,000 बाहर है। और प्याज काफी दिख रहा है आज। प्याज आमदनी ज्यादा है, बाजार तो 1-2 रुपए डाउन है। क्या बढ़िया माल तो आज भी 19 रुपए बिका है, बाकी एवरेज जो माल है उसमें 1-2 रुपया डाउन है। अच्छा, मतलब 1900 रुपए क्विंटल है। हाँ, ऊपर में बढ़िया जो है वो 15-16 नहीं 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 10 रुपए, 8 रुपए, 11 रुपए, 12 रुपए तक है। 12 रुपए तक। हाँ, तो क्या कितनी आवक होगी आज प्याज की? प्याज की 3,000 कट्टे आमदनी। 3,000 का आगे क्या स्थिति? प्याज तो तेजी रह गई सरी, पर अभी एक महीना ऐसे ही लगेगा, चलेगा। लहसुन की क्या? लहसुन की भी भविष्यवाणी अच्छी दिखा रहे हैं, बता रहे लोग। स्टॉक तो शुरू नहीं हुआ अभी? अभी स्टॉक आज कुछ कुछ चालू हुआ है, बाकी होली बाद चालू हो जाएगा स्टॉक में। तो मुकेश जी, जिनका कहना है कि प्याज में अच्छी तेजी आ सकती है और इसके साथ ही जो है लहसुन में भी तेजी आना बता रहे हैं कि आ सकती है। आज से कुछ बाहरी व्यापारी आए हैं, उन्होंने भी यहाँ से लहसुन लेना शुरू कर दिया है। तो स्टॉक यहाँ से आज अब जो है आगे से लहसुन का स्टॉक शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही प्याज की अच्छी आवक मंसूर मंडी के अंदर भी आज करीब से 3,000 कट्टे जो है वो बता रहे हैं कि मंसूर मंडी के अंदर पहुँचे हैं।